मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। इश्क़ चलो ठीक। हेलो। जी अच्छा आ तो रही है दाद भाई। हाँ, जो सबसे पहला वाला जो है, जो मेरे ख्याल में जो पुराना है, लेकिन चलो नया हिसाब कर लो, पास डेटा है। ये जो टूल है ये भी अभी नया नया है, पिछले हफ्ते। तो यहाँ पे पहले सब 6 दिन के लिए आपको फ्री मिलता है, फिर आप इसके बाद आपको पे करना होता है, उसके फीस होती है। लेकिन फिर भी आप दूसरी जीमेल पे बना के फिर से 6 दिन के लिए यूज कर लो, अगर बेटर है। लेकिन आप अपग्रेड कर लो। इसमें ये है, यहाँ पे आपने जस्ट ईमेल से अपने साइन अप कर देना है, इसमें कोई और कोई इशू नहीं है। बाकी ये आपको बहुत बहुत सारी सब कुछ, अब मैं इसका पहले आपको बताता हूँ कि इसकी फीचर्स में क्या क्या फीचर है वगैरह वगैरह। अच्छा, सबसे पहले ये तो इसका हो गया मेन डैशबोर्ड। प्रोडक्ट हंटिंग की जो पहले वाले हमने बताए थे वो तो सब कुछ मैन्युअली था, अब यहाँ पे ये आपको पूरा डेटा प्रोवाइड कर देता है। यहाँ पे ये इसका मेन डैशबोर्ड है, यहाँ पे जो लाइव है वो है, यहाँ हमारा काम यहाँ है पे प्रोडक्ट सर्च पे। अच्छा, प्रोडक्ट सर्च में अभी आप किस कंट्री में कर रहे हो आपने वो कंट्री सेलेक्ट कर देना है। अगर यूनाइटेड स्टेट में कर रहे हो तो यहाँ पे इंडोनेशिया में, यहाँ पे चलो मैं, हम तो अक्सर यूनाइटेड किंगडम में करते हैं तो मैं यूनाइटेड किंगडम पे आता हूँ। अब इसमें से आपको ये जो प्रोडक्ट शो कर रही है, ये सारी यूनाइटेड किंगडम की जो टॉप प्रोडक्ट है वो है। लेकिन आप इसमें एक कैटेगरी भी चूज कर सकते हो, जैसे मैं जाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मैं किचन कैटेगरी यूज करता हूँ कि मुझे किचन कैटेगरी में सेल करना है, तो यहाँ पे किचन कैटेगरी में जो टॉप प्रोडक्ट होते हैं वो आपके सामने आ जाते हैं। जो टॉप अभी इसमें ये प्रोडक्ट है, ये इसका नाम है, सही है, सॉरी, ये टिकटॉक पे 20.20.80 से लेकर 24.80 तक यूनाइटेड किंगडम में ये सेल हो रहा है। ये शॉप नेम है, जो शॉप है, जो सेलर का शॉप है, ठीक है, कैटेगरी है किचन, और ये इसने 10% कमीशन लगाया है इस प्रोडक्ट पे। इसने सॉरी, इस प्रोडक्ट पे 12% कमीशन अब इसने लगाया है। यहाँ पे इसकी की कितनी यूनिट सोल्ड हो चुकी है वो है, इसकी टोटल ऑर्डर है, इस प्रोडक्ट की टोटल ऑर्डर आए हैं, ये डेली की है, ये टोटल ऑर्डर जो आए है इस सेलर को इस प्रोडक्ट से, ये इतने हैं। ये इस प्रोडक्ट के रिलेटेड जो क्रिएटर है, ये क्रिएटर 506 लोग, 506 क्रिएटर इसकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। इसके रिलेटेड 106 मतलब 1600, हाँ 1600 जो लाइव है इस प्रोडक्ट की रिलेटेड है, और इसकी रिलेटेड 1.7 के जो रिलेटेड जो वीडियो है वो है। अब इस तरह आप दूसरा प्रोडक्ट भी सर्च कर सकते हो। लेकिन अब हमें प्रोडक्ट निकालना है तो हम जस्ट यहाँ पे, यहाँ से हम ये आइडिया भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, मैं ये प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसका देखना होगा कि हाँ इस सेलर का ये इतना तो सेल हो रहा है, लेकिन किस तरह, क्योंकि इसने कमीशन कितना लगाया है, 12%, मतलब इस प्रोडक्ट के लिए कमीशन भी 12% पेट है, अगर आप 12% कमीशन लगाते हो तो यहाँ से ये भी हो सकता है। और अच्छा, दूसरी दूसरी बात, यहाँ पे प्रोडक्ट कौन सा निकालना है, जब आप प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो प्रोडक्ट कौन सा निकालना है, तो यहाँ पे जो कमीशन सेट क्या होता है, या तो वो ना हो या तो बहुत कम हो। और सबसे मेन चीज जो है ये है रिलेटेड क्रिएटर, कि इसकी कितनी क्रिएटर इसके साथ रिलेटेड है। अब इसकी 506 क्रिएटर है, तो इसकी इतनी रेवेन्यू कुछ भी नहीं है। अब इसकी 2 क्रिएटर है और इसकी इतनी ऑर्डर आ रहे हैं, तो ये कमाल का है। अभी हमें इस प्रोडक्ट पे जाना है जिसकी क्रिएटर कम हो, मतलब इस पे या तो एड्स के जरिए या जो है ऑर्गेनिक सेल आ रही है, तो हमें ऑर्गेनिक सेल चाहिए स्टार्ट के लिए, क्योंकि आपको प्रोडक्ट टेस्ट करना है। अब एड्स हो तो लाजमी आपको सेल आएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक सेल आपको यही से मतलब मालूम करना है कि हाँ इसकी कितनी कम क्रिएटर है, तो इसकी इतना, इसकी 2 क्रिएटर है, इसकी सेल इतनी आ रही है, तो ये बेस्ट है। अब अगर इसकी क्रिएटर 500 है और इसकी सेल भी इतनी आ रही है, तो ये कुछ भी नहीं है, तो उस पे जाना है जिसकी क्रिएटर कम हो और सेल ज्यादा आ रही है, ठीक है। और सबसे पहले मेन चीज जो है उस प्राइस पे जाना है
जो कि 15 से तो कम ना हो, कम से कम 15 से। टिकटॉक पे जब आप टिकटॉक पे लिस्ट कर रहे हो तो 15 से कम ना हो। अगर आप फॉर एग्जांपल इस प्रोडक्ट पे जाते हो, इसकी अच्छी खासी सेल हो रही, लेकिन ये 1 पाउंड का भी नहीं मिल रहा, उससे भी कम है, तो इसमें आपको प्रॉफिट बचना मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है या? जी जी आ रही है। अच्छा, तो अब इसी फॉर एग्जाम्पल मैं ये प्रोडक्ट निकालता हूँ। अच्छा, और दूसरी प्रोडक्ट बात, आपने उस प्रोडक्ट पे नहीं जाना जिसकी रेटिंग 4.5 से कम हो। जिस प्रोडक्ट की भी रेटिंग 4.5 से कम हो, आपने उस पे नहीं जाना। यहाँ पे आप इस शॉप पे भी विजिट कर सकते हैं और शॉप की टोटल ऑर्डर भी देख सकते हैं, और इससे इस प्रोडक्ट से इतना रेवेन्यू इसने जनरेट किया है। ठीक है, शॉप कैटेगरी है 1, और भी उसकी इतनी ऑर्डर है, टोटल सेल इसकी इतनी हो चुकी है 12.24 मिलियन, इसकी टोटल सेल है। सही है, बाकी इसकी वीडियो यहाँ से आप सारी A to Z डिटेल देख सकते हो उसकी। तो यहाँ से प्रोडक्ट हंटिंग करना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इजी हो सकता है। क्या फॉर एग्जाम्पल जिस भी कैटेगरी में आप कर रहे हो, अगर ब्यूटी में कर रहे हो तो ब्यूटी सेलेक्ट कर लो, जो भी करना है आप कर लो। यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ ब्यूटी का पे, क्या ब्यूटी नहीं है यहाँ? है, हाँ ये मैं ब्यूटी कैटेगरी में जाता हूँ। तो ब्यूटी में अब ये ऑलमोस्ट सबने देखा होगा ये प्रोडक्ट टिकटॉक पे, जिसके पास भी बायर अकाउंट है उसने ये प्रोडक्ट देखा होगा। देखा है किसी ने? जी हाँ, जी तो ये प्रोडक्ट है। अब इसकी कितनी सेल हो चुकी है, अब मैं आपको ये इसकी रेटिंग है 4.7। ये एक ब्रांड है, बहुत बहुत ज्यादा इसकी यूनिट सोल्ड हो चुकी है। अच्छा, इसने कमीशन कितना रखा है? 20%। इसकी यूनिट कितनी सोल्ड हो चुकी है ये पर वीक की? इसकी टोटल ऑर्डर कितनी आए हैं? तकरीबन 6 लाख, तकरीबन छह 5 लाख नाइनटी नाइन के हाँ, बस 6 लाख बनते हैं तकरीबन। इसकी रिलेटेड क्रिएटर कितनी है? इतनी 3,000 से भी ऊपर। इसकी रिलेटेड जो लाइव, इसकी रिलेटेड जो लोग लाइव आए हैं, जो क्रिएटर है वो लाइव 7,000 से भी ज्यादा उसकी लाइव आ चुके हैं। उसके रिलेटेड 10,000 उसके रिलेटेड वीडियोज है। ऐसा आप ये पेरोट भी कर सकते हो, यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल और पे भी जा सकते हो। तो सबसे पहले इसमें आपने जो भी करना है, कैटेगरी चूज, पहले एक कंट्री चूज करना है, फिर कैटेगरी चूज करना है, फिर आपने उस प्रोडक्ट पे जाना है जिसकी प्रोडक्ट, तो आपके ये सब जो प्रोडक्ट है ये टिकटॉक पे सेल हो रही है। अब ये जो हम विनिंग प्रोडक्ट कहते हैं ये वही है, क्योंकि इसकी टोटल ऑर्डर सब कुछ आपको शो होती है। लेकिन आपने सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि हाँ, इस पे कमीशन कम है, इसकी क्रिएटर कम है, तो मैं इस पे जाऊंगा। जिसकी क्रिएटर कम हो और सेल ज्यादा आ रही है तो उस पे आपने जाना है। अभी जिसकी फॉर एग्जांपल जिसके लिए 2-3 हज़ार क्रिएटर लाइव बैठ के वीडियो बना रही है, उसकी वीडियो अपलोड कर रही है, तो उसकी लाजिम उसकी जो है सेल ज्यादा आएंगी, वो तो डेफिनेटली उसकी सेल ज्यादा आएंगे। सबसे पहले ये ख्याल आपने रखना है। फिर आप लोगों को मैंने पहले भी कहा था, अभी कह रहा हूँ कि एक कैटेगरी में अपना शॉप रन करूँ, जिस कैटेगरी में आपकी सेल आ रही है उसी कैटेगरी में जाऊं। अगर हेल्थ में आ रही है तो हेल्थ में जाओ, किचन में आ रही है किचन में जाओ, होम में आ रही है होम में जाओ, एक कैटेगरी को लेके चलो। और फिर यहाँ से अपनी कैटेगरी चूज करके भी वो कर सकते हो। और ये जिसको यूनाइटेड स्टेट भी आप, मतलब यूनाइटेड स्टेट में भी जो प्रोडक्ट सेल हो रही है वो बस टॉप अप प्रोडक्ट आती है यहाँ पे। यहाँ से आप प्रोडक्ट्स रैंक भी देख सकते हो कितना रैंक है। अभी ये प्रोडक्ट रैंक पे जो है यूनाइटेड स्टेट में है, लेकिन मैं यूनाइटेड किंगडम करता हूँ, एक सेकंड, में यूके में करना है तो यूनाइटेड किंगडम में ये टॉप रैंक पे है, सबसे टॉप पे प्रोडक्ट है। ठीक है, फिर नेचर्स पे लाता है, फिर इसकी सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो, कैटेगरी वगैरह वगैरह जो भी है। और यहाँ से मोस्ट प्रमोटेड वो है जिसपे सबसे ज्यादा एड्स चलाए हैं और जो क्रिएटर ने सबसे ज्यादा प्रमोट किया है, ये वही है ई कॉमर्स वीडियो। यहाँ पे आप शॉप, अच्छा ये भी है, यहाँ से वो शॉप आपको नजर आएंगी जो टॉप शॉप होती है, जिसकी अच्छी खासी बेहतरीन सेल आ रही है। तो शॉप की डिटेल भी, कितनी कैटेगरी में काम कर रही है, किस किस कैटेगरी में कर रही है। अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये सबसे टॉप पे है यूके में ये शॉप,
मैं इसकी डिटेल पे जाता हूँ, नहीं इसकी डिटेल पे मेरे ख्याल में नहीं जा सकते। हाँ जा सकते हैं, इसका नाम यहाँ से आप कॉपी करके बाहर अकाउंट में भी देख सकते हो। अच्छा इसकी है 1 लाख से भी ऊपर ज्यादा उसकी ऑर्डर आए हैं, उसकी टोटल रेवेन्यू लास्ट जीवन। अच्छा ये मुझे अब मुझसे अब ग्रेड मांग रहा है, मेरा इतनी तक नहीं है, बट चलो एटलीस्ट उस तक तो है। इसका शॉप रैंक है ठीक है, यहाँ से आप सारा कुछ एवरीथिंग देख सकते हो। अच्छा क्रिएटर भी यहाँ से आप देख सकते हो, जिस जिस क्रिएटर को आपने पिच करना है, जो क्रिएटर है किस कैटेगरी। फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रिएटर देखना है वो भी यूनाइटेड कर किंगडम, लो। हाँ यूनाइटेड किंगडम में मुझे क्रिएटर देखना है, और किचन कैटेगरी में देखना है, या जिस क्रिएटर की भी अलग अलग अच्छा कैटेगरी होती है जी। हेलो, कुछ नहीं ज्यादा, कुछ नहीं। अच्छा तो यहाँ पे आप क्रिएटर भी देख सकते हो, हर क्रिएटर की अलग अलग कैटेगरी होती है, हर क्रिएटर अलग अलग कैटेगरी में काम कर रहा होता है। तो यहाँ से आप क्रिएटर भी देख सकते हो, उसकी मतलब कितनी फॉलोअर है, कितनी व्यूज आते हैं, सब कुछ एवरीथिंग यहाँ से आप देख सकते हो, ग्रो रैंक वगैरह वगैरह। लेकिन दूसरी बात, यहाँ पे मेरे ख्याल में इसमें इतना है, इस शॉप में इतना ही है। इस पॉपुलर वीडियो भी आप पॉपुलर हैशटैग, हाँ हैशटैग पहले सेशन ने क्वेश्चन किया था कि आप सेल कैसे लाते हो, सेल यही से आते हैं, हैशटैग से आपकी ऑर्गेनिक सेल आते हैं, कि आप किस तरह हैशटैग लगाते हो। अब यूके में ये जो हैशटैग है, ये यूके में अब ट्रेंड पे चल रही है, तो यहाँ से आपने जो भी वीडियो अपलोड करनी है, यहाँ से जो टॉप 10 हैशटैग है वो आपने पुट करना है, लाजमी कर देना है, और पॉपुलर म्यूजिक भी यहाँ से कर सकते हो वगैरह सब कुछ एवरीथिंग। तो पास डाटा के रिलेटेड किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, पास डाटा के रिलेटेड फिर आगे जाते हैं। इसमें स्पेसिफिक दो तीन चीजें ही है जाद भाई, एक क्रिएटर को देखना हमने प्रोडक्ट हंट करने के लिए। हाँ इसमें इतना ही, प्रोडक्ट देखना है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, किसकी कितनी सेल हो चुकी है, किसकी कितनी दिन की सेल आ रही है, ये अब एक बार ओपन कर रहे हो तो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। कि इसमें खास इतना ही है कि आप मतलब कौन सा प्रोडक्ट चल रहा है, आपको फिर बायर अकाउंट में जाके या डेटा कंपस में जाके पिक्चर उठा के फिर देखना नहीं होता, यहाँ पे ये पूरा डेटा प्रोवाइड करता है कि इसकी इतनी सेल आ रही है, इसकी इतनी सेल आ रही है, इसकी इतनी सेल आ रही है, सब कुछ यहाँ पे आता है। तो आप इसमें इतना वो टेंशन वाली बात नहीं है, जस्ट आप फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोडक्ट सर पे जाता हूँ, अब मैं होम में आ जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं होम में कर रहा हूँ, अब मैं चलो मैं ये प्रोडक्ट करता हूँ, ये प्रोडक्ट है, ये इस प्रोडक्ट की सारी डिटेल यहाँ पे है। अच्छा इसकी है 12% कमीशन रखा है, और इसकी इतनी यूनिट सोल्ड हो चुकी है। मुझे अब ये इतना डेटा आपके पास आता है कि हाँ इसकी वीकली की इतनी यूनिट सोल्ड हो चुकी होते हैं, तो डेफिनेटली आप इस पे जा सकते हो, आपको इजी होता है। हाँ मैं ये कॉपी करके अब मैं गूगल में पेस्ट करके पूरा मतलब सोर्स, फिर आपने जस्ट सोर्सिंग ढूंढना है कहाँ से मैं अब सोर्स करूँ, क्योंकि बाकी डेटा तो ये प्रोवाइड करता है कितनी पे कितनी कितनी प्राइस पे आप ये सेल हो रहा है, ये 16.99 पे सेल हो रहा है, तो सारा यहाँ से आप देख सकते हो। और अब दूसरा जो है जिसके लिए मैं जो बिल्कुल मार्केट में नया है, मेरे अलावा और आप लोगों के अलावा किसी को भी पता नहीं है, या मैंने फेसबुक में पोस्ट डाली है, मे भी शॉप किसी को पता चला, ये है शॉप प्लस। ये बेस्ट है मेरे ख्याल में, ये बेस्ट है, उससे भी ज्यादा बेस्ट है। और ये जब मैं इस पे साइन अप कर लेता हूँ, मैंने तो किया था लेकिन पता नहीं, चलो मैं अभी रजिस्टर नहीं कर रहा, मैं बाद में करूंगा। मैंने क्या है रजिस्टर इस पे आई थिंक। अच्छा इसमें भी सेम यही चीज है, टॉप सेल की प्रोडक्ट आती है, इन्फ्लुएंसर आते हैं, वीडियो आते हैं शो। यार एक सेकंड, मैंने यहाँ पे किया था लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आ रहा।
मैंने ये किया था, मैंने लॉगिन किया था। अच्छा यहाँ पे भी अब यार 7 डे का प्री ट्रायल ट्रायल यहाँ पे भी आपको मिलता है, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा? मैंने किया था, खुद ही किया था, बट ये रजिस्टर कर लो। हाँ कंटिन्यू हो गया यार। यार मेरा पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, लेकिन आप लोग यहाँ पे जस्ट अपने साइन अप करने ना, और इसमें जो ला जो मेन चीज इसमें है, इसमें कैलकुलेटर है, जो टिकटॉक का जो कैलकुलेटर है वो किस तरह यार। अभी इशू हो गया, अभी पहले नहीं था। यार ये भी ज़्यादा भाई 7 7 दिन के लिए ये। हाँ ये भी 7 दिन के लिए प्री ट्रायल आपको मिलता है। यार ये बेस्ट है, मुझे उस दूसरी वाले से भी ज्यादा अच्छा लगा। इसमें आपने जस्ट वो मतलब खुद मैन्युअली हिसाब नहीं लगाना है, हाँ मेरा कितना बच रहा है, मेरा कितना बच रहा है, अपने जस्ट यहाँ पे वो प्राइस लिखनी है, सारा कुछ खुद ब खुद आता है। एक सेकंड में ये इसमें नंबर डाल दूँ। अच्छा ये चल भी दो में ही रहा है ये भाई, 2 3 बस जगहों पे चल रहा है, इंडोनेशिया, ताइवान और इंग्लिश लिखा हुआ, ये इसकी लैंग्वेज है। नहीं ये लैंग्वेज है, ये चल रहा है यूके में भी। मैं दिखाता हूँ मैंने क्या है यहाँ पे। अच्छा ये शॉप प्लस का जो मेन डैशबोर्ड है ये वही है। मैं जस्ट क्योंकि लेट भी हो रहा है, आज 1 बज रहे, मतलब जल्दी जल्दी करना है, मुझे भी थोड़ा काम करना है। अच्छा यहाँ पे भी सिंपल आपने आना है टॉप सेल में, हमारा काम टॉप सेल से यार, जो ज्यादा बिक रहा है हम वही भी लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे भी आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग वगैरह, कमीशन, सेल, रिवेन्यू सब कुछ आता है नजर में, सेम उसी तरह जिस तरह उसमें था पास डेटा में, ठीक है। यहाँ से भी आपने, अभी मैं करता हूँ यूनाइटेड किंगडम, यहाँ से आप कंट्री रीजन भी चेंज कर सकते हो। अच्छा ये सेम वही प्रोडक्ट है, यहाँ पे भी आ गया, ठीक है। मतलब यह है कि पूरा टिकटॉक का ही डेटा निकाल रहा है, टिकटॉक शॉप का जो मेन डेटा है। अब ये देखो सेम प्रोडक्ट यही पे भी है, यहाँ से प्रोडक्ट ढूंढना तो यही से इजी है। अब मेन हम बात करते हैं जो बहुत ज्यादा मसला है यहाँ पे, कहा गया एक सेकंड, कहा गया भाई, अच्छा बॉक्स टूल में आना है। बॉक्स टूल में आने के बाद
प्राइस कैलकुलेटर में जाना है। मेन चीज ये है, हमारा अब इसके साथ काम है। यहाँ से अपने पहले जिस कंट्री में आप कर रहे हो वो कंट्री सेलेक्ट कर देना है। मैं यूके में कर रहा हूँ, मैं यूके में फॉर एग्जाम्पल कर रहा हूँ, मैंने यूके सेलेक्ट किया। अब प्राइस क्या लिखे, फॉर एग्जाम्पल 20.99 का मैं सेल कर रहा हूँ। कॉस्ट प्राइस फॉर एग्जाम्पल ये मैं ले रहा हूँ 12.99। यार ये क्यों लिख रहा है? अच्छा 20.99 का मैं सेल कर रहा हूँ, 12.99 का मैंने लिया है। और लॉजिस्टिक फीस इसकी बनती है फॉर एग्जाम्पल 1 पाउंड। जो बायर फीस है वो तो बायर पे करता है, वो जीरो कर देते हैं हम। पैकेज की वो कितनी लिखी, 0.115, इतनी लाज होती है, इससे ज्यादा मुश्किल है। अच्छा इन्फ्लुएंसर की अगर आपने ये करना है, इन्फ्लुएंसर की, अच्छा ये तभी आपने करना है ना, मेरी आवाज आ रही है? जी, ये आप जब भी आप कोई प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, जहां से भी आप करते हो, फॉर एग्जांपल आप शॉप प्लस से सेलेक्ट करते हो, पास डेटा से करते हो, या जहां से भी आप सोर्स कर रहे हो मतलब देखते हो, तो फिर आपने टिकटॉक की प्राइस देखना है कि मैं टिकटॉक पे कितनी का सेल कर रहा हूँ, और जितनी पे लिया है आपने उसका आपने यहाँ पे प्राइस देखना है। फिर आपने लोग मुझसे बहुत ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यार इन्फ्लुएंसर की फीस क्या रखी है वगैरह वगैरह। फिर उस प्रोडक्ट पे जो फॉर एग्जांपल पास डाटा में आता हूँ, एक प्रोडक्ट है उसकी यूनिट भी ज्यादा सोल हो चुकी है, सब कुछ उस पे 12%, वहाँ पे कमीशन भी सेट है जो मैंने पहले बताया कि इतना कमीशन सेट होता है। अच्छा फॉर एग्जांपल इस पे है 8% कमीशन इस पे है, ठीक है। और प्लेटफॉर्म पे प्लेटफॉर्म भी चलो 5% प्लेटफॉर्म का कमीशन भी है, ये आपने निकालना है। वेट कुछ भी नहीं है, जीरो है, ये भी जीरो है, और रिटर्न ऑन हैंडल ये भी जीरो कर देते हैं। चलो अब मैं कैलकुलेट पे जाता हूँ। अब देखो सेलिंग प्राइस 12.99, कॉस्ट प्राइस 12.99, ये 20.99, ये 12.99, लॉजिस्टिक वगैरह सब पीसीज निकाल के अब यहाँ पे इनकम डिटेल पे आते हैं। तो 17.1111 पे आता है, और हमारा जो प्रॉफिट बचता है, जो नेट प्रॉफिट बचता है, ये सब पीसीज निकाल के 12.4.12 पाउंड, ठीक है। अब इस पे आरओआई आपकी बचती है 24। तो आरओआई आपने हमेशा रखना है, प्रॉफिट मार्जिन, सॉरी प्रॉफिट मार्जिन आपने हमेशा रखना है कम से कम 40, चलो और कम कर लो, 35 से कम ना हो आपका प्रॉफिट मार्जिन, 35 से बिल्कुल भी कम ना हो। यहाँ से आप सारा कैलकुलेट कर सकते हो। अब जो भी प्राइस है यहाँ पे प्राइस चेंज करते रहो, जो भी पीस है वो पीसेस लगाते रहो, कैलकुलेट पे जाओ, आपका सारा आता है। अब मेरा इस पे 4.4 पाउंड बच रहा है, चलो मैं कह रहा हूँ मुझे 4 पाउंड बच रहा है। अभी मैं अपनी एक प्रोडक्ट की, चलो मैं कर रहा हूँ, मैं डीएस कर रहा हूँ, तो डीएस के लिए मैं इस तरह कर रहा हूँ, जो मेरा प्रोडक्ट है मैं उसकी ही आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस तरह किया है। अब यहाँ पे मैं सेलिंग प्राइस लिखता हूँ 51, सही, मैं 51 पे, मैं सॉरी 70 70 पे मैं सेल कर रहा हूँ। प्लस डील वगैरह हटा के अपने पहले ये भी सोचना है कि हाँ मैंने इस पे इतना प्लस डील लगाना है, वो पहले से हटा के। और मैंने लिया है 51 का, लॉजिस्टिक प्राइस मेरा कुछ भी नहीं है, बायर पेस कुछ भी नहीं है, पैकेज का कुछ भी नहीं है, इन्फ्लुएंसर का कुछ भी नहीं है, प्लेटफॉर्म कमीशन मैं रखता हूँ चलो 5% निकालता हूँ, 5 तो नहीं है लेकिन, और क्योंकि मैं डेली मिशन कंप्लीट करता हूँ। तो नासिर भाई आपने जिस तरह कहा कि मेरे वो 5% काट रहे, आप डेली मिशन कंप्लीट नहीं कर रहे हो इसलिए, ठीक है। डेली मिशन जब आप कंप्लीट कर रहे हो, अगर 5% भी काट रहे हैं तो वो फिर कंसेशन करता है, उस पर वाउचर मिलते हैं, फिर आपसे इतनी नहीं काटते मेरे। और वाकई वगैरह मैंने इसकी पीसी, इसके अलावा मेरे कुछ और पीसीस है ही नहीं जो मुझसे काटे। अब मैं यहाँ पे कैलकुलेट पे जाता हूँ। अब यहाँ पे देखो 70 का सेल कर रहा हूँ, 50 का ले रहा हूँ वगैरह वगैरह पीसीस निकाल के।
मेरा बच रहा है 15.50, सही है, जी मुझे बच रहे हैं। अब इस तरह आप दूसरी भी कर सकते हो वगैरह सब कुछ। अब यहाँ पे शॉप पे आना है, चलो ये तो हो गया कैलकुलेटर के बारे में। अब यहाँ पे सब्सक्रिप्शन, अब इसका लेना है तो वो भी ले सकते हो। बेसिक्स फॉर 1 मंथ $14 का प्रीमियम, कितना है यार 39 का, 39 ये 47 का, देखो। जात भाई मिशन जो उस पे आए हुए हैं वो तो कह रहे हैं कि लाइव आए हैं, सेशन करें लाइव आगे। और वो एक अजय, ख्याल है, दूसरा आया आर अजय मोर बाय टू डिस्कवर योर लाइव तो लाए क्यों नहीं आते आप, आ जाए ना। लाइव आगे। हमारे पास कौन सी प्रोडक्ट है यार जात भाई प्रोडक्ट जो आपने नहीं है करनी तो है? मैंने आपको पहले भी कहा, प्रोडक्ट नहीं है तो फिर भी आप वहां से कर सकते हो। वहां से मेरे हाईएस्ट 1600 व्यू आए थे एक लाइव पे, आते हैं वहां जाहिद पे। भाई, हाँ ये जो हाँ अगर हम क्या नाम है लाइव आ जाएं तो उसका हमें क्या फायदा होगा? मतलब अगर हमने वो जो अगर अकाउंट जो टिकटॉक का है वो हमने कनेक्ट किया हुआ है शॉप के साथ, तो क्या हम उसका लिंक भी देंगे टिकटॉक शो हाँ अब टिकटॉकर जब जो आप ऐप लाइव जो हम आते हैं संभालते वहाँ हैं? पे, आप जब आप लाइव आते हो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है कि पूरा शॉप भी लिंक कर सकते हो, एक प्रोडक्ट भी लिंक कर सकते हो, किस किस लिए लाइव आना है वो आप सेट गोल भी कर सकते हो। वहाँ पे आप जो है उसे क्या बोलते हैं, कंपटीशन होती है, और जो लोग आपको ज्यादा लाइक देते हैं या उसको देते हैं, आप फिर वहां से आपको डायमंड भी आते हैं, पनिशमेंट भी मिलती है, सब कुछ होता है। वहां से आप ट्रैफिक ला सकते हो अपने सेलर सेंटर पे डायरेक्ट। तो अगर हम यहाँ पे पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारा जो अकाउंट है वो यूके में है टिकटॉक ऐप का जो है, तो फिर हम आरडीपी के जरिए किसी तरह लाइव आ सकते हैं? कोई तरीका है? आपके पास फिजिकली सिम है? फिजिकली सिम नहीं है यहाँ पे, अकाउंट यूके में है लेकिन यहाँ पे फिजिकली सिम नहीं है। तो आपके या फिजिकली सिम चाहिए या मेरे वाला जुगाड़ करना चाहिए, जो बायर अकाउंट है वो वीपीएन से चलाना होगा। मैं वीपीएन से ही लाइव आता हूँ, ये था कोई मसला नहीं आता उसमें? नहीं, वो ओके ओके वीपीएन से मेरी आईपी वो शो कर रही है ना, अभी जिसके पास फिजिकली सिम है उसकी आईपी यूके की शो कर रही है। नहीं, अगर हम दोनों सिम्स वो निकाल दें और अकाउंट जो है ना टिकटॉक ऐप का वो यहाँ लॉग इन कर लें अगर वीपीएन के अगर जरिए। वो आपका डिवाइस जो है पीटीए अप्रूव है तो फिर मुश्किल है, अगर पीटीए अप्रूव नहीं है तो फिर हो सकता है। सही। तो अच्छा जाद भाई लाइव आ गया, हमने करना क्या है इस पे? यार डांस ही तो कर लो, कुछ इशू नहीं है, जो करना है कर लो कुछ भी कर कुछ सकते हैं। भी कर सकते हैं। वहां पे आपको एक कंपटीशन मिलता है, लोगों के साथ लाइव आदि कंपटीशन होता है, फिर वहां पे मतलब लोग बेचते हैं आपको स्टार वगैरह, डायमंड बेचते हैं, उस पे एक कंपटीशन होता है जो यहाँ पे आप पाकिस्तानी में मेरे ख्याल में कर रहे हैं, लाइक की वगैरह पे, बीगो पे, उसी इस तरह पे भी सीन कर होता है। रहे हैं हाँ पाकिस्तानी काफी ज्यादा। हाँ उसी तरह सीन होता है यहाँ पे भी। हमारा मकसद है जस्ट प्रोडक्ट मेंशन करना, और लोग मैं क्या करता हूँ पता है, मैं जस्ट आके मोबाइल अपने सामने रखता हूँ और सॉन्ग लगाता हूँ, जो भी आता है उससे थोड़ा टूटा फूटा इंग्लिश उसके साथ बोलता हूँ, जस्ट फॉर फन। मैं जब बोर होता हूँ तो मैं करता हूँ, और उसके हिसाब से ऐसा भी हो गया है कि वहां से मुझे सेल भी आती है, वहां से मेरा एक, अगर सेल नहीं भी आ रही लेकिन ट्रैफिक आ रहा है अकाउंट पे, ट्रिपिक आ रहे अकाउंट पे, एक वहां से मेरे लिए बेस्ट है। आजाद भाई, ये हमने यहाँ से तो देखे, ये फॉर एग्जांपल हम यहाँ के जो बंदे हैं उनको तो दोस्त वगैरह उनको तो हम ऐड कर सकते हैं टिकटॉक में। अगर हम तो काम कर रहे हैं यूके में, हमें वहाँ का कस्टमर चाहिए, वहाँ के बंदे चाहिए, तो उनको ऐड करने के लिए फिर क्या करेंगे जो हमारे यानी फॉलोअर बने या हम उनको फॉलो करें? हम तो फॉलो कर सकते हैं, वो हमें कैसे उस हिसाब से हम उनको टारगेट कैसे करेंगे? यूके के लोग आपको फॉलो कर रहे हैं? हाँ, यूके के लोगों को हम कैसे टारगेट करेंगे ये उनको, यानी कि वो हमें फॉलो करें या जैसे हम तो फॉलो कर सकते हैं ना, हाँ वो भी आपको कर सकते हैं। लेकिन वो तो हमें करें तो करेंगे तो इसलिए इस तब ना जब हम उनको करेंगे आगे से फॉलोइंग बैक तो उनके पास जाएगी ना।
नहीं आपने वो जो नाम दोस्त, लेके कोई सर्च कर ले बस ऐसे ही। नहीं आप दोस्त का बताया कि दोस्त रीड कर ले, उसका मुझे समझ नहीं आ रहा, आप कहना क्या चाहते हो? मैं आजाद भाई कहना ये चाह रहा हूँ कि देखें वो फॉर एग्जांपल मैंने आपको फॉलो किया उसी वक्त आपके पास लिंक चला जाता कि फॉलो बैक, ठीक है आप मुझे फॉलो बैक कर देते हो, दोनों हम एक दूसरे को फॉलो करने लग पड़े। लेकिन अब हम जो है वो यूके के बंदों को कैसे करें, वहां पे सर्च करके टिकटॉक पे नाम सर्च कर लें। नाम नहीं सर्च करना वहां पे। अब फॉर एग्जाम्पल अपने यूके के किसी को फॉलो करना है तो यूके का आपके पास बेसिकली सिम मोबाइल में डालो, आपका जो पूरा कंटेंट है वो यूके का आता है, वहां से सही आप फॉलो करो, वो उसके पास फॉलो बैक भी जाता है, अगर उसको आपका अच्छा लगा तो आपको फॉलो बैक भी करता है। शाहिद भाई, अगर हम आईफोन ले लें मिसाल के तौर पे, नॉन पीटीए, ना आईफोन 9 ले लेते हैं मिसाल के तौर पे, तो फिर भी कंटेंट हमें यूके का नजर आएगा अगर हम वीपीएन यूके का जो है ना वो यूज करें। हाँ नॉन पीटीए हो तो फिर वीपीएन से हो जाता है, नॉन पीटीए हो। ग्रेट ग्रेट। अच्छा यहाँ पे एक और है इन्फ्लुएंसर, जो टॉप सेलर होते हैं जो इन्फ्लुएंसर, अब इसको आप पिच करोगे तो बहुत मुश्किल से आएगी, लेकिन यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, यहाँ से नीचे जाके उसमें, ठीक है। अब इसकी करंट सेल है 48, 488, ठीक है, और इसकी टोटल सेल इतनी है, इसकी रेशियो इतनी है, ये वगैरह सब कुछ यार मैं भी क्या बताऊं, लेकिन यहाँ पे आप एंटर करोगे ना तो इतनी पिक्चर आपको नजर आएंगी ना, आप मजे हो। अब दूसरी बात, क्रिएटर को देखना कैसा है कि क्रिएटर अच्छा है या नहीं, एक तो आप बायर अकाउंट में जाके देखना है, एक दूसरा ये कि उसका नाम लेके यहाँ पे अपने नाम पर में कुछ भी नाम लिखे, जब क्रिएटर का कुछ भी नाम हो वो यहाँ पे पेस्ट करके सर्च कर ले, यहाँ पे उसकी सारी डिटेल आ जाएंगी, क्या कहा है, इतनी से उसने उसकी कितनी सेल हो चुकी है, उसकी वीडियो थ्रू या लाइव की थ्रू उसने कितनी सेल की है वगैरह, सब कुछ आ जाते हैं यहाँ से। यहाँ पे मैं एक पहले एक और हाँ हैशटैग, हैशटैग भी यहाँ से आप ट्रेंड हैशटैग उठा सकते हो, जो ट्रेंड हैशटैग चल रही है, ठीक है, यहाँ से भी कर सकते हो, और प्रोडक्ट वीडियो भी आप यहाँ से उठा सकते हो, प्रोडक्ट की वीडियो है वगैरह, ये अब देखिए मेरे ख्याल में ये कॉपी भी हो गया नहीं, लेकिन चलो ये फिर आप लोग आराम से बैठ के देखो, कभी शॉप पे भी आके आप लिस्टिंग वगैरह देख सकते हो, टूल में यार सब कुछ है, आप बस आप लोग एक बार उसे कर दो, देख लो आप एक बार, यहाँ से फिर आपकी उस फॉर एग्जाम्पल ये प्रोडक्ट है इसकी सब कुछ देख सकते हो, एवरीथिंग यार। अगर ये दो टूल आपके पास है ना, तीन, क्रिएटिव सेंटर, पास डेटा और शॉप प्लस, अगर आप ना इससे भी प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते ना ना, तो बुरी, बहुत बुरी बात है यार, बहुत बहुत, क्योंकि सारी प्रोडक्ट आपको शो होती है कि ये प्रोडक्ट है इतनी का सेल हो रहा है, बस जस्ट आपने क्या करना है, सोर्सिंग निकालना है, ये थीमू से मिल जाएगा, ईबे से मिल जाएगा, अलीबाबा, अली एक्सप्रेस, अमेजोन मिल जाएगा, बहुत सस्ता हर जगह से मिल जाएगा। ये पास वो आप आजाद भाई कह रहे हैं ना, आप निकाल लेते हैं, हम जैसे बंदे जो हैं वो साइडिंग छानते रहते हैं अभी। नहीं, ना सिर्फ 22 में कुछ जाहिद भी नहीं, भाई, मैं बताता हूँ, मैं आता हूँ यहाँ पे प्रोडक्ट में, टॉप सेल में आता हूँ। अब किसी का फॉर एग्जाम्पल मैं किचन कैटेगरी का प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ, तो मैं किचन कैटेगरी में आता हूँ, अब नासिर भाई यहाँ पे, अब यहाँ से और भी देख सकते हो, लेकिन मैं किचन कैटेगरी में आल पे करता हूँ, ये प्रोडक्ट आते हैं, इनमें से कोई भी उठा लो, किचन वाले अक्सर नॉन ब्रांड होते हैं, ये फॉर एग्जाम्पल ये आता है मुझे, ये मैं निकालता हूँ, ये कितनी का सेल हो रहा है यहाँ पे, इसका 11 पॉइंट इतनी का सेल हो रहा है, मैं जाके इसकी सोर्सिंग ढूंढनी है, कॉपी करके वहां से ढूंढना है। अब ये तो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं कि प्रोडक्ट है, इसकी इतनी यूनिट सोल्ड हो चुकी है, इस पे इतना कमीशन है, सब कुछ तो दे रहा है, अब इसमें बाकी मेरे ख्याल में कोई भी मुश्किल नहीं है, पहले पहले ना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था, कुछ भी नहीं था, अब तो बहुत 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 ज्यादा इजी है,
जैसे वैसे वो हमने जो पहला पहला सॉफ्टवेयर देखा आजाद भाई, उसमें तो आपने कहा है वो क्रिएटर वगैरह को देखना जिसके क्रिएटर कम हो, तो इसमें सिंपल, इसमें तो वो चीज नहीं है, ये इसमें सिंपल प्रोडक्ट वो दी हुई है कि जो नहीं हाई रेटेड है प्रोडक्ट। रिलेटेड इन्फ्लुएंसर, ये देखो यहाँ पे भी है, आप देख सकते हो ना, प्रमोस जी जी मैं देख रहा रिलेटेड वीडियोस रिलेटेड इन्फ्लुएंसर यहाँ पे भी है, इसके रिलेटेड 5.1K वीडियोस है और 600 इसके रिलेटेड इन्फ्लुएंसर, इन्फ्लुएंसर और क्रिएटर दोनों एक चीज है यार। इतना तो टिकटॉक ने बहुत इजी किया है, बहुत बहुत ज्यादा इजी। अब दिन में तो तीन चार पांच प्रोडक्ट ऐसे निकाल पाओगे यहाँ से, वो भी बाप अच्छी पर भाई। अच्छी खासी हाँ जी, सेल वाली, जिसमें आपको 10 से ऊपर भी प्रोडक्ट। फिर हाँ हम जो है ना, हमें ऑर्डर आता है मिसाल के तौर पे, तो हम उसको किस कॉरियर के जरिए जो है ना वो शिप करेंगे? क्योंकि अभी फिलहाल जो है ना वो टिकटॉक जो है ना वो दो कॉरियर का ही ऑप्शन दे रहा है यूके पे। दो का ऑप्शन नहीं दे रहा। अब टिकटॉक जो ऑर्डर आता है तो टिकटॉक मैन्युअली वो दो को मतलब सेलेक्ट कर देता है, और सबसे ज्यादा 80 से 90% मेरे ख्याल में एवरी सेलेक्ट करता है टिकटॉक। लेकिन आप शिपिंग शिप बाय सेलर कर रहे हो तो शिप बाय सेलर में कोई इशू नहीं है, जो आप चाहो उससे कर लो, तो आपके पास ट्रैकिंग होना चाहिए। चलो मेरे ख्याल में आज के लिए कम था, लेकिन इससे अब बहुत बहुत ज्यादा हेल्प हो सकती है आपकी, अगर कोई अच्छी तरह कर ले तो। इसमें ये बात है, अच्छी तरह कर ले तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा निकाल लो, आप पूरा आपको समझ आ जाएगा इसकी किस तरह भाई काम दोबारा करता है। बोलिएगा, मुझे आवाज नहीं। मैं कह रहा हूँ अगर आप ये लॉग इन करते हो और आधा घंटा भी देते हो उसमें ना, तो आप इजिली प्रोडक्ट निकाल पाओगे दो तीन, इजिली, बहुत बहुत ज्यादा इजी। इसमें कुछ है ही नहीं, सारी प्रोडक्ट आपकी नजर होती है, ये प्रोडक्ट है इतना सेल, इसमें टिकटॉक में इतनी क्या सेल हो रहा है, ये इतनी क्या बेच रहा है, इतना मुझे प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना मैन्युअली नहीं है, वहां पे जाके आप पुट कर लो, प्राइस वगैरह पुट कर लो, खुद ब खुद सब कुछ आ जाता है।